हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आरके नर्सिंग ट्यूटर क्लासेस। टुडे डिस्कस अबाउट एक्यूट रीनल फेलियर एंड एक्यूट रीनल इंजरी। ओके, इसके अंदर जो फ्रेंड्स अपन बात करेंगे, इससे पहले मैंने जीआईटी सिस्टम पढ़ाया था। जीआईटी सिस्टम के कम्प्लीटली डिसऑर्डर है, वो बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। और इसी के बाद में फ्रेंड्स क्या है, जो अपने पास में आज का जो सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम का जो मैंने एक इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनिट बनाया था, उसके अंदर जो मैंने फ्रेंड्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था उसके अंदर किडनी, किडनी के अंदर मैंने कम्प्लीटली किया है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो इंट्रोडक्शन वाले यूनिट के अंदर है। उससे आपको पता लग जाएगा भाई किडनी के कौन कौन से फंक्शन है और किडनी कहाँ पर लोकेटेड होती है। और इसी के बाद में अपन पढ़ेंगे आज जो आज का जो टॉपिक है वो है रीनल फेलियर। कौन सा टॉपिक है? रीनल फेलियर। देखना फ्रेंड्स कौन सा टॉपिक है आज का, रीनल यूरिनरी सिस्टम का फर्स्ट डिसऑर्डर है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर कौन सा है? रीनल फेलियर। और रीनल फेलियर को बोलेंगे या रीनल इंजरी, क्या बोलेंगे? रीनल इंजरी। ओके क्लियर फ्रेंड्स, क्या है आज का जो टॉपिक है अपने पास में, जो आज अपन इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। और डिस्कस के अंदर अपना टॉपिक है रीनल फेलियर। कौन सा टॉपिक है? रीनल फेलियर एंड रीनल इंजरी। किडनी के अंदर क्या होगा, या तो उसके अंदर किडनी के फंक्शन क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे, इनअप्रोप्रिएट फंक्शन करेगी, या फंक्शन उसके क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। किडनी के फंक्शन क्या करेगी, इनेबिलिटी हो जाएगी। कौन हो जाएगी? किडनी। तो देखना फ्रेंड्स इसके अंदर बोल सकते हैं अपन इनएबिलिटी और इनएक्टिव। क्या आएगी? इनएक्टिव। क्या होगी? किडनी है जो, एक तो उसने क्या कर दिया, इनएबिलिटी हो गया, और इनएक्टिव ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी के फंक्शन क्या हो गए? इनेबिलिट हो गए, मतलब इनएक्टिव हो गए और इनएक्टिव होंगे। और इसी चीज को बोल रहे हैं अपन कौन सी, किडनी फेलियर। किडनी फेलियर बोलेंगे। और इसी में फ्रेंड्स जो किडनी रीनल फेलियर है, रीनल फेलियर है वो कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का होता है। रीनल फेलियर कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का होता है फ्रेंड्स। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक है? एक्यूट वाले रीनल फेलियर है, इनएबिलिटी ऑफ एंड और इनएक्टिव ऑफ द किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन क्या हो गए, जो अपनी नॉर्मल किडनी है वो फंक्शन नहीं कर पाएगी या उसकी इनएक्टिव हो जाएगी किडनी, और इससे क्या बोलेंगे, रीनल फेलियर। और जो रीनल फेलियर है वो भी टू टाइप्स का होता है। कौन सा होता है? एक्यूट रीनल फेलियर एंड और एक्यूट किडनी इंजरी। ओके क्लियर। और सेकंड होती है क्रोनिक रीनल फेलियर। ओके, क्रोनिक रीनल फेलियर और क्रोनिक किडनी, क्रोनिक किडनी इंजरी, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज भी बोलेंगे। और इसके अंदर जो फ्रेंड्स अपन ने बात करी है कि इसके पास में इंजरी हो रही है, और इंजरी भी के अंदर अपन ने दोनों के लिए बात कर ली है कि कौन कौन सी इंजरी हो गई अपने पास में, जो अपने पास में जो डिजीज है, डिजीज के अंदर मैंने बताया कि रीनल फेलियर और रीनल फेलियर है। रीनल फेलियर को मैंने बोला है एक्टिव रीनल फेलियर और क्रोनिक रीनल फेलियर। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है ये भी पढ़ेंगे अपन इसके अंदर, जो आज का टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम अंदर पूरा डिस्कस करेंगे, किसका करेंगे, एक्यूट रीनल फेलियर का। और एक्यूट रीनल फेलियर की डेफिनेशन क्या होती है, और डेफिनेशन के अंदर एक्यूट किडनी डिजीज क्या है, और किडनी ने फंक्शन क्या करती है, रीनल के फंक्शन क्या करेंगे, लॉस ऑफ द किडनी फंक्शन। देखना जो एक डेफिनेशन है ये भी बोल सकते हैं अपन, और लॉस और डिक्रीज
decrease function of kidney, it is also called renal failure. ओके क्लियर. रिनल फेलियर के अंदर क्या होता है, इनेबिलिटी हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, किडनी ने फंक्शन कम कर दिए और लॉस और डिक्रीज द फंक्शन ऑफ द किडनी, इट इज द कॉल्ड ऑफ कॉल्ड रिनल फेलियर. क्या होगा, रिनल फेलियर. कंप्लीट. रिनल फेलियर का मतलब ये है कि लॉस और डिक्रीज द फंक्शन ऑफ द किडनी. किडनी के जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर मैंने बताया है वीडियो के अंदर कि जो उसके जो ब्लड के होमोस्टेसिस मैकेनिज्म के अंदर क्या करता है, ब्लड को, ब्लड की वॉल्यूम को एंड ब्लड कंपोजिशन को एंड ब्लड फॉर्मेशन वगैरह को क्या करता है, मेंटेन करता है. रेनिन सिस्टम है जो कि किसको ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, वो भी क्या करती है, किडनी करती है. एक किडनी का काम क्या है, सिंथेसिस ऑफ द विटामिन D3, सिंथेसिस करता है विटामिन D3 का एंड इरिथ्रोपोइटिन सिक्रेशन करता है. हार्मोन कौन सिक्रेट करता है, किडनी, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सिक्रेट करता है ये सारे. एंड जो अपने बॉडी के अंदर जो एक जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करती है, एक्सक्रेट करती है. एक्सक्रेट के अंदर जैसे कि यूरिया है, जो अपने पास में ब्लड यूरिया है, अपने पास में क्रिएटिनिन है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है और अपने जो इसके अंदर ब्लड यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया एंड इसके पास में जो बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम कौन करती है, किडनी करती है. अगर किडनी ने फंक्शन डिस्टर्ब हो गए, किडनी फंक्शन नहीं कर पाएगी और इसे कोई क्या बोलेंगे अपन, रिनल फेलियर. क्या बोलेंगे, रिनल फेलियर. जो किडनी के फंक्शन है, किडनी के फंक्शन के अंदर देखना फ्रेंड्स, किडनी के फंक्शन, ठीक है, किडनी ने क्या करा, फंक्शन है उसका, एक तो सिंथेसिस करेगा, फॉर्मेशन के अंदर सिंथेसिस के अंदर हेल्प करेगा किसके, विटामिन D3, विटामिन डी. एक फंक्शन क्या करेगा किडनी, जो अपने पास में एक्सक्रेट है, एक्सक्रेटा को क्या करता है, एक्सक्रेट को बाहर निकालता है. क्या करता है, जो एक्सक्रेट को क्या करता है, बाहर करता है. कौन कौन सा, BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन एंड अपने पास में ब्लड यूरिया और अपन बोल सकते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ब्लड की वेस्ट को बाहर करता है एंड प्यूरिफिकेशन करता है एंड बीपी को मेंटेन करता है, ये अपने पास में किडनी के फंक्शन है. और किडनी ने अपना काम करना बंद कर दिया और तो इसकी वजह से जो फेलियर होगा और इसी को ही बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, रिनल फेलियर बोलेंगे. फ्रेंड्स मैंने बताया आपको, नॉर्मल इंट्रोडक्शन बताया, रिनल फेलियर, रिनल इंजरी जिसके अंदर क्या होगा, इनेबिलिटी और इनएक्टिव ऑफ द किडनी फंक्शन और इसी को बोलेंगे रिनल इंजरी. एक डेफिनेशन बताया कि लॉस और डिक्रीज द फंक्शन ऑफ द किडनी, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द रिनल फेलियर. और इसके बाद में जो एक्यूट रिनल फेलियर है, टाइप्स ऑफ द रिनल फेलियर, रिनल फेलियर की टू टाइप्स है, कौन कौन सी टाइप्स है, एक्यूट रिनल फेलियर एंड क्रॉनिक रिनल फेलियर. कौन कौन सी है, एक्यूट रिनल फेलियर एंड क्रॉनिक रिनल फेलियर. किडनी के फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन जैसे कि कंपोजिशन ऑफ द ब्लड एंड वॉल्यूम एंड डिक्रीज एंड होमोस्टेसिस के लिए मेंटेन करता है. एक हार्मोन सिक्रेट करता है किडनी, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन. कौन सा सिक्रेशन करती है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, ठीक है. इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सिक्रेशन कौन करती है, किडनी करती है. और इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या है, किसके लिए, फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है, RBC के में, किसकी, जो ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है, उनकी फॉर्मेशन के लिए कौन करता है, हेल्प करता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड करता है. और इसी को अपन इसके बाद में, ये तो ये फंक्शन डिस्टर्ब होंगे और ये फंक्शन डिस्टर्ब होने की वजह से इसी को ही बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, रिनल फेलियर. और रिनल फेलियर की भी टू टाइप्स है, एक्यूट एंड क्रोनिक रिनल फेलियर. फ्रेंड्स इसके बाद में रिनल फेलियर के अंदर जो अपन आज जो फर्स्ट में जो फर्स्ट पार्ट है उसके पार्ट फर्स्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके कोजेस क्या क्या होते हैं, इसके फेजेस कौन कौन सी होती है, साइनम सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके, और साइनम सिम्टम्स तक इसके कौन सा पार्ट होगा, किडनी का एक्यूट होगा, कौन सा पार्ट होगा, एक्यूट होगा. इसके के बाद में सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट के अंदर बात करेंगे. फर्स्ट आएगा एक्यूट किडनी इंजरी, देखना यूरिनरी सिस्टम के अंदर भी हो चुका है और इसके अंदर देखना एक्यूट रिनल फेलियर, एक्यूट रिनल फेलियर और एक्यूट किडनी
इंजरी। ओके कंप्लीट फ्रेंड्स, जो आज के जो टॉपिक है, आज इसके अंदर जो बात करेंगे कौन से वाले टाइप फर्स्ट, जिसके अंदर रिनल फेलियर का जो टाइप फर्स्ट है उसकी बात करेंगे, और उसके अंदर आएगा एक्यूट किडनी इंजरी, एंड पढ़ेंगे अपन कौन सा पढ़ेंगे इसके अंदर रिनल फेलियर का अपन इसमें बात करेंगे। और रिनल फेलियर आ चुका है, और रिनल फेलियर के अंदर अपन ने पास में इसकी क्या आएगी डेफिनेशन, फर्स्ट में बात क्या करेंगे इसकी डेफिनेशन, पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट के अंदर करेंगे डिस्कस करेंगे। आज किसका डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन ऑफ एक्यूट रिनल फेलियर, और एक्यूट रिनल फेलियर की डेफिनेशन है फ्रेंड्स, देखना फ्रेंड्स, एक्यूट रिनल फेलियर के अंदर रैपिड लॉस ऑफ द किडनी फंक्शन, देखना रैपिड लॉस ऑफ किडनी फंक्शन रैपिड लॉस हो गए, किसके फंक्शन लॉस हो गए, किडनी के फंक्शन क्या हो गए लॉस हो गए। इसके बाद में फ्रॉम द रिनल सेल डैमेज होगी, उसकी वजह से रैपिड लॉस फंक्शन होगा, क्यों होगा कि उसकी क्या होगी रिनल सेल है वो क्या होगी डैमेज होगी। It occurs abruptly, अब जैसे यहाँ पे आया कि जो abruptly है मतलब इसके कहने का मतलब यही है कि जो किडनी है अपने पास में, जो किडनी है, किडनी के जो फंक्शन मैंने बताया है आपको कि रैपिड लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, रैपिडली लॉस हो जाएंगे, सडनली लॉस होंगे, एक्यूट फेजेस के अंदर है, और फंक्शन ने क्या कर दिया लॉस हो गया, किडनी के फंक्शन लॉस हो गए, और जो रिनल सेल है, रिनल सेल क्या होगी डैमेज होगी। अगर रिनल सेल डैमेज होगी उसकी वजह से क्या होगा रैपिडली, अगर किडनी ने रैपिडली फंक्शन कर दिया डिस्टर्ब हो गए तो क्यों होंगे, उसकी जो रिनल है कौन सा है, जो रिनल सेल है वो क्या होगी डैमेज होगी, और डैमेज होने की वजह से क्या होगा किडनी के जो फंक्शन है वो रैपिडली लॉस हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, और एब्रुप्टली होगा, एंड द मेन ऑफ द रिवर्सिबल, और जो किडनी की जो डिजीज है, किडनी फेलियर के अंदर जो डिजीज है, और ये एक्यूट वाली टाइप है वो कौन सी टाइप की होती है रिवर्सिबल टाइप की होती है। इसके बाद में देखना फ्रेंड्स सेकंड डेफिनेशन के अंदर देखना फ्रेंड, सडन लॉस ऑफ किडनी फंक्शन सडनली क्या करा किडनी ने अपने फंक्शन क्या कर दी, फंक्शन डिस्टर्ब हो गए, विद इन आवर या तो उसके कौन से पे आवरली होगा, टू फ्यू डेज। ओके किडनी ने क्या करा सडनली लॉस कर दिया फंक्शन को, किडनी के सडनली फंक्शन लॉस्ट हो गए विद इन द हावर एंड फ्यू हावर और टू फ्यू डेज के अंदर, और इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कार्ड एक्यूट रिनल फेलियर। और इसे क्या बोल रहे हैं एक्यूट रिनल फेलियर, क्या और बोल रहे हैं कि इसके अंदर सडनली लॉस हो गए किडनी के फंक्शन विद इन द हावर एंड फ्यू डेज ऑफ कार्ड ऑफ द किडनी एक्यूट रिनल फेलियर। इसके बाद में फ्रेंड्स देखना थर्ड नंबर का जो इसकी डेफिनेशन है, जो एक्यूट रिनल फेलियर कैन बी रिवर्सिबल and kidney function can be resumed and gradually
ग्रेजुअली ओके कंप्लीट। जो अपने पास में रेनल फेलियर है वो रेनल फेलियर क्या है, रिवर्सिबल है, और किडनी फंक्शन क्या हो जाएंगे, रिज्यूम हो जाएंगे, कब हो जाएंगे, ग्रेजुअली हो जाएंगे अचानक ले, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स फोर नंबर की डेफिनेशन है। फोर नंबर के अंदर देखना एक्यूट किडनी इंजरी है टू सेल हाइपोपरफ्यूजन होगा, याद रखना किडनी वाली डिजीज है उसमें क्या होगा, हाइपोपरफ्यूजन होगा, हाइपोपरफ्यूजन सेल की डेथ होगी, और कौन सी, रेनल सेल की, एंड डी कंपनसेशन ऑफ रेनल फंक्शन, ओके रेनल फंक्शन का क्या हो गया, डी कंपनसेशन हो गया, वो कहां पे हो गया, किडनी के अंदर हो गया। देखना फ्रेंड्स जो मैंने बताया आपको पूरा कंप्लीटली, जो डिजीज है, डिजीज की अगर कोई डेफिनेशन पूछता है कि एक्यूट रेनल फेलियर के बारे में बताओ, तो एक्यूट रेनल फेलियर के अंदर जो फ्रेंड्स अपने पास में क्वेश्चन आता है उसको कंप्लीटली, जो अपने 16 नंबर का जो कंप्लीट करना पड़ता है एग्जाम के अंदर, जो देखेंगे फ्रेंड्स जो अपने पास में एक्यूट रेनल फेलियर है, एक्यूट रेनल फेलियर के अंदर मैंने बताया आपको जो कि किडनी है, किडनी के जो सडनली लॉस ऑफ द फंक्शन हो गए, और इसी चीज को क्या बोल रहे हैं, एक्यूट रेनल फेलियर हो गया। डेफिनेशन है फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर की, रैपिड लॉस ऑफ द किडनी फंक्शन फ्रॉम द रेनल सेल डैमेज होगी, उसकी वजह से रैपिड फंक्शन डिस्टर्ब होंगे, किसके होंगे, किडनी के होंगे, और ये कौन सी होती है, इरिवर्सिबल होती है। इसके बाद में मैंने बताया सडन लॉस, सडनली क्या होती है, किडनी ने क्या कर दिया, फंक्शन को फंक्शन लॉस हो गए विद इन द आवर एंड फ्यू डेज, ठीक है, और कार्डिज इसे क्या बोलेंगे, रेनल फेलियर, एक्यूट रेनल फेलियर। और एक्यूट रेनल फेलियर क्या होता है, अपने पास में रिवर्सिबल होता है। इसके बाद में किडनी इंजरी, जो एक्यूट किडनी इंजरी है वो उसके अंदर क्या होता है, सेल का डैमेज होगा, हाइपर परफ्यूजन होगा, क्या होगा, हाइपो परफ्यूजन होगा, और क्या होगा, डीकंपनसेशन ऑफ द रेनल फंक्शन, इसके अंदर सेल डेथ होगी, हाइपो परफ्यूजन होगा, एंड क्या होगा, डीकंपनसेशन होगा। ये तो फ्रेंड्स थे इसके अपने पास में किडनी की बात करी है, किडनी के अंदर जो फ्रेंड्स मैंने इसके डेफिनेशन बताई है, डेफिनेशन देख लो आप अच्छे से, कंप्लीटली डेफिनेशन हो चुकी है। इसके बाद में आएगा कोजेस, क्या आएगा, कोजेस की बात करेंगे, और कोजेस के अंदर आएगा प्री रेनल कोजेस, कोजेस को देखना फ्रेंड्स, जो इसके कोजेस, इसके कंप्लीटली, इसके बाद में आएगा कोजेस, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, क्या आएगा, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर फ्रेंड्स देखेंगे अपन कि इसका मेन इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, सडनली किडनी ने फंक्शन क्या होंगे डिस्टर्ब होंगे, और ये डिजीज कौन सी है, इरिवर्सिबल है, कौन सी है रिवर्सिबल किडनी डिजीज है। इसके अंदर आएगा फ्रेंड्स कॉजेस, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है फ्रेंड्स, और इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर ये जो अपन बात करेंगे कि इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स और इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर फ्रेंड्स बात करेंगे, इसकी तीन फेजेज होती है, कौन कौन सी होती है, थ्री फेजेज का अपन आराम से बात करेंगे स्लो आराम से। जो फर्स्ट फेजेज होती है वो फेज होती है प्री रेनल कोजेस, कौन सी फेजेज होती है, प्री रेनल कोजेस, कौन सी फेजेज होगी, प्री रेनल कोजेस, कौन सी कोजेस होगी, प्री रेनल कोजेस के बाद में आएगी इंट्रारेनल कोजेस, कौन सी कोजेस आएगी, इंट्रारेनल कोजेस, क्लियर, इंट्रारेनल कोजेस। और इंट्रारेनल कोजेस के बाद में जो आएगा फ्रेंड्स वो आएगा अपने पास में इंट्रा हो गया, और इसके बाद में जो फ्रेंड्स कोजेस की बात करेंगे, प्रीनेटल हो गया, इंट्रानेटल हो गया, और इसके बाद में आएगा पोस्ट रेनल कोजेस, कौन सा आएगा, पोस्ट रेनल कोजेस कंप्लीट। ये सारे इसके अंदर अपन कोजेस की बात करेंगे, कोजेस के अंदर फर्स्ट फ्रेंड्स मैंने बात करी है प्री रेनल कोजेस इंट्रा रेनल कोजेस एंड पोस्ट रेनल कोजेस,
ठीक है, ये इसके कोचेज है। और कोचेज के अंदर देखना फ्रेंड्स, जो इसके मेन कोचेज है इसके अंदर आएगा, जैसे कि यहाँ पे देखना, फर्स्ट हाइपो वोलीमिया। अगर किडनी के अंदर हाइपोवोलेमिया हो गया, जैसे किडनी के अंदर फंक्शन डिस्टर्ब हुआ, फंक्शन लॉस हो गए, और इसके अंदर जैसे कि हाइपोवोलेमिया ड्यू टू डिहाइड्रेशन एंड हिमोरेज, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है या डिहाइड्रेशन हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, हाइपोवोलेमिया होगा। अगर हाइपोवोलेमिया होगा तो वो भी क्या करेगी, किडनी को डैमेज करेगी, ठीक है, क्लियर। इसके बाद में आएगा डिक्रीज आउटपुट, क्या होगा, डिक्रीज क्या होगा, अपने पास में डिक्रीज्ड होगा आउटपुट, क्या होगा, डिक्रीज आउटपुट होगा। और ड्यू टू सी एच एफ का मतलब क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मतलब इसमें क्या होगा, डिक्रीज आउटपुट हो जाएगा। और डिक्रीज आउटपुट होने की वजह से क्या होगा इसके अंदर, अपने पास में, और इसके अंदर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, जैसे कि, और इसमें आएगा हाइपोवोलेमिया, क्या आएगा, हाइपोवोलेमिया, क्या आएगा, हाइपोवोलेमिया, एक आएगा कार्डियोजेनिक शो, क्या आएगा, कार्डियोजेनिक शो, क्या होगा, कार्डियोजेनिक शोक होगा। एंड कार्डियोजेनिक शोक होने की वजह से आएगा, एक आएगा ऑब्स्ट्रक्शन, क्या आएगा इसके अंदर ही, ऑब्स्ट्रक्शन एंड प्री रिनल इन्फेक्शन, और क्या होगा, प्री रिनल इन्फेक्शन होगा, इसकी वजह से भी क्या होगा, ये कोजेस आएंगे अपने पास में। ये कौन से कोजेस है, हाइपोवोलेमिया ड्यू टू द डिहाइड्रेशन एंड हेमोरेज एंड हाइपोवोलेमिया एंड डिक्रीज्ड हो गया। इसके बाद में आएगा थ्रोम्बोसिस, क्या होगा, थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन हो जाएगा, देखना फ्रेंड क्या होगा, थ्रोम्बोसिस क्या हो गया, थ्रोम्बोस फॉर्मेशन हो गया, कहां हो गया, रिनल आर्टरी के अंदर। ये भी कौन से कोजेस में आएगा, प्री रिनल कोजेस के अंदर आएगा। क्या हो गया कि जो अपने पास में थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन हो गया, थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन कहां पे हो गया, रिनल आर्टरी के अंदर हो गया। और ये भी क्या करेगा, ये कोजेस बोलेंगे कौन से, प्रीरिनल के कोजेस हैं। और प्रीरिनल के कोजेस के बाद में ये सारे थे इसके अंदर, और इसी के दौरान होंगे डिक्रीज पेरियावेस्कुलर रेजिस्टेंस, देखना फ्रेंड्स, डिक्रीज्ड पेरिफेरल रेजिस्टेंस के दौरान भी अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, देखना फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीटली जो अपने पास में, ये तो थे इसके कोजेस, थे कोजेस के बाद में जो यहाँ पे थोड़ा और अपन इसके जो बाद में बात कर लेंगे इसके कोजेस की, फर्स्ट में अपन प्रीरिनल कोजेस की बात कर लेंगे। और इसके अंदर ही कौन सी होगी, डिक्रीज्ड प्री रिनल रेजिस्टेंस, क्या होगा, जो अपने पास में डिक्रीज हो जाएगी, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, दो क्या होगी, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगी। वो भी क्या प्रोड्यूस करता है, किडनी को फेल करता है, मतलब एक्यूट किडनी डिजीज को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। लाइक जैसे कि कौन सी जैसे डिजीज है, एनाफाइलेक्सिस, कौन सी डिजीज है, एनाफाइलेक्सिस। अगर एनाफाइलेक्सिस हुआ, एलर्जी रिएक्शन हुआ, उसकी वजह से भी क्या होगी, किडनी फेल हो सकती है। एनाफाइलेक्सिस हो गया एंड सेप्टिक शोक एंड न्यूरोलॉजिकल इंजरी, कौन सा होगा, सेप्टिक शोक एंड न्यूरोलॉजिकल इंजरी। अगर न्यूरोलॉजिकल इंजरी भी होगी उस दौरान भी, कौन से अपने पास में, ये कोजेज है, देखना फ्रेंड्स। प्रीरिनल कोजेज के अंदर मैंने बताया है, प्रीरिनल कोजेस के अंदर बताया हाइपोवोलेमिया ड्यू टू द डिहाइड्रेशन। अगर हाइपोवोलेमिया हो रहा है किसी भी पेशेंट को, क्या हो रहा है, हाइपोवोलेमिया हो रहा है। हाइपोवोलेमिया होने के पीछे है कि जैसे ब्लड है, ब्लड के अंदर से क्या हो गया,
ब्लड के अंदर क्या हो गया, प्लाज्मा कम हो गया मतलब हाइपोवोलेमिया, डिहाइड्रेशन हो गया, फ्लूड बाहर निकल चुका है एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट का, और इसी के बाद में जैसे कि ब्लीडिंग हो गई, ब्लीडिंग के अंदर भी क्या हो गया, हाइपोवोलेमिया हो गया। और जब जब भी हाइपोवोलेमिया होगा तो कौन से प्रोड्यूस हो सकती है, एक्यूट रेनल फेलियर हो सकता है। डिक्रीज आउटपुट, आउटपुट जो अपने पास में कार्डिक आउटपुट है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज आउटपुट हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है। और जो मोस्टली किसमें होता है, CHF में होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है। किसकी वजह से भी हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है। इसके बाद में मैंने बताया हाइपोवोलेमिया, कार्डियोजेनिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, जैसे रीनल आर्टरी के अंदर क्या हो गया, थ्रोम्बोसिस आ गया, जैसे कि ये किडनी है और किडनी के अंदर भी ये रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी के अंदर क्या हो गया, थ्रोम्बोसिस आ गया, और थ्रोम्बोसिस की वजह से भी क्या हो सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। डिक्रीज पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, पेरिफेरल के अंदर जो जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, इसकी वजह से भी क्या होगा, एक्यूट रीनल फेलियर होगा। और जो सेप्टिक शॉक है, एनाफाइलेक्सिस है, और जो न्यूरोलॉजिकल इंजरी है, इन सभी में क्या हो सकता है, अपने पास में एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। इसके बाद में फ्रेंड्स अपने पास में कोजेज आएगा, सेकेंड इंट्रा रीनल कोजेज, कौन सा आएगा, इंट्रा रीनल कोजेज, देखना फ्रेंड्स कौन सा कोजेज आएगा, इंट्रा रीनल कोजेज, इंट्रा रीनल कोजेज, कंप्लीट इंट्रा रीनल कोजेज, इंट्रा रिलेटेड टू एंटर, मतलब जो किडनी है उसके फंक्शन डिस्टर्ब तो होंगे। अब डिस्टर्ब होने के बाद में तो ये तो कौन कौन से सिस्टम की बात कर रहे थे, ये तो ये वाला हो गया, ठीक है। इसके बाद में जो इसके अंदर आएगा, जैसे जो विद इन द पेरेन्काइमा ऑफ द किडनी, जो पेरेन्काइमा ऑफ द किडनी है वो डैमेज होगी, क्या होगा, जितनी भी डिजीज है जिसमें आएगा, जो अपने पास में जो किडनी है, किडनी की जो अपने पास में क्या होगा, किडनी की जो है अपने पास में पेरेन्काइमा है, क्या है, पेरेन्काइमा जो इंटरनली है वो विद इन द ऑफ द किडनी, ऑफ द किडनी, जो पेरेन्काइमा ऑफ द किडनी है, और पेरेन्काइमा की जब जब भी डैमेज होगी, जब कोस्ट होगी, और कोस्ट होने की वजह से क्या होगा, जैसे कि ट्यूबुलर नेक्रोसिस, क्या होगा इसके अंदर आएगा, ट्यूबुलर नेक्रोसिस, नेक्रोसिस हो गया, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुई, ब्लड सप्लाई नहीं हुई, इसकी वजह से ट्यूबुलर नेक्रोसिस होगा, और ट्यूबुलर नेक्रोसिस होगा, ये सारे कोजेस कौन से है, इंट्रारीनल कोजेस, इनके वजह से भी कौन सा हो सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। प्रोलोंग्ड प्री रीनल इस्केमिया, क्या होगा, प्रोलोंग्ड प्री रीनल इस्केमिया, अगर प्रोलोंग्ड प्री इस्केमिया होगा, इसकी वजह से भी क्या होगा, एक्यूट रीनल फेलियर होगा। इसके बाद में आएगा फ्रेंड्स इंट्रा रीनल इन्फेक्शन की वजह से भी क्या होगा, अपने पास में कौन सी डिजीज देखने को मिलेगी, एक्यूट रीनल फेलियर डिजीज होगी। इसके बाद में आएगा अपने पास में एनी ट्रोमा और डिजीज और इन्फेक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी कौन सा, इंट्रारीनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, कौन सा, इंट्रारीनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, उस केसेस के अंदर भी अपने पास में क्या होगी, किडनी डैमेज होगी फ्रेंड्स। उसके बाद में आएगा एनी ट्रोमा एंड किडनी डिजीज, अगर किडनी के अंदर कोई भी ट्रोमा हो गया या डिजीज होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, अपने पास में देखने के लिए मिलेगा कौन सा, इंट्रारीनल कोजेस, कौन से है, इंट्रारीनल कोजेस है। और इसके बाद में आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेना, जो नेक्स्ट इसके कोजेस में आएगा थ्रोम्बोसिस, देखना इसी के कोजेस के अंदर आएगा थ्रोम्बोसिस ऑफ ग्लोमेरुलस, जो अपने पास में जो ये ग्लोमेरुलर है, और ये ग्लोमेरुलर के अंदर क्या होगा, अपने पास में जो ग्लोमेरुलर है और ग्लोमेरुलर के अंदर क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ठीक है। ये कौन सा कोजेस है, इंट्रा, रिलेटेड टू इंटर वाले सिस्टम के अंदर, तो थ्रोम्बोसिस इन द, जो अपने पास में थ्रोम्बोसिस इन क्या होगा, थ्रोम्बोसिस इन ग्लोमेरुलो
जो ग्लोमेरुलर है, ग्लोमेरुलर है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, या प्री ट्यूबुलर के अंदर क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, इसके वजह से भी क्या हो गया, प्री ट्यूबुलर कैपेलरीज इसके अंदर भी क्या आ गया, थ्रोम्बोसिस आ चुका है, इसकी वजह से भी क्या हो सकती है अपने पास में, एक्यूट रेनल फेलियर हो सकता है। इसके बाद में कुछ मेडिसिन है, टॉक्सिन्स, एंटीबायोटिक्स है, जैसे कि टॉक्सिन्स एंड एंटीबायोटिक्स, और एंटीबायोटिक्स है उसकी वजह से भी क्या हो सकता है अपने पास में, रेनल फेलियर हो सकता है। और अपने पास में फ्रेंड्स, जैसे कि अपने पास में मेडिसिन है, जैसे कि अपने पास में एमाइनो ग्लाइकोसाइड है, कौन सा है, एमाइनो ग्लाइकोसाइड, ठीक है। अब जैसे कि अपने माइसिन पढ़ लिया, वेनकोमाइसिन, क्या आएगा, वेनकोमाइसिन, जेंटामाइसिन, ठीक है, पेनिसिलिन, क्या आएगी, पेनिसिलिन, ठीक है। ये सारी जो मेडिसिन है जो अपने पास में, जेंटामाइसिन है और पेनिसिलिन है, केनामाइसिन है, नियोमाइसिन है, क्या है कि एंटोब्रामाइसिन है, केनामाइसिन हो गया, जेंटामाइसिन हो गया, नेप्रोटॉक्सिक मेडिसिन देख लेना फ्रेंड्स अपने पास में, जेंटामाइसिन, केनामाइसिन, वेनोमाइसिन एंड अपने पास में आएगी केनोमाइसिन, जेंटामाइसिन, और इसी के बाद में वेनोमाइसिन और सल्फोनेमाइड एंड आइबुप्रोफिन, एसिटोफेनामाइन भी क्या करती है, नेप्रोटॉक्सिक एजेंट है। और ये फ्रेंड्स इसके कुछ मेडिसिन है इसकी वजह से, और रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं वो कौन से कोचेज होंगे, इंट्रारेनल कोचेज होंगे, इसकी वजह से भी क्या होती है, किडनी डैमेज होती है। देखना फ्रेंड्स इसके अंदर में एक बार और वापस ले डिटेल में, पैरेन्काइमा ऑफ द किडनी की डैमेज होगी, उसकी वजह से भी इंट्रारेनल है, ट्यूबुलर के अंदर नेक्रोसिस होगा उसकी वजह से भी क्या होगा, रेनल फेलियर होगी, इसी में होगा उसकी वजह से भी होगा, इंट्रारेनल इन्फेक्शन होगा या पोस्ट रेनल इन्फेक्शन होगा उसकी वजह से भी होगा, एंड इंट्रा एनी ट्रोमा एंड किडनी डिजीज होगी उसकी वजह से भी होगा, एंड थ्रोम्बोसिस ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन या प्री ट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया उसकी वजह से भी क्या होगा, थ्रोम्बोसिस हो चुका है और उसकी वजह से भी क्या होगा, एक्यूट रेनल फेलियर होगा, एंड टॉक्सिन्स एंड एंटीबायोटिक्स है उनकी वजह से भी होगा, नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट बताया जैसे कि मैंने, जो अपने पास में वेनोमाइसिन है, केनामाइसिन है, ओटोब्रामाइसिन है, और अपने पास में जेंटामाइसिन है, पेनिसिलिन है, सल्फोनामाइड है, और आइबुप्रोफिन है, एसिटोफेनामाइन है, ये सारी मेडिसिन क्या करती है अपने पास में, ये सारी मेडिसिन है नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट है, और ये क्या करती है, किडनी को डैमेज करती है, कौन सी किडनी को डैमेज कर रही है। इसके बाद में आएगा फ्रेंड्स इंट्रारेनल कोजेस कंप्लीट है, इसके बाद में आएगा पोस्ट रेनल कोजेस, कौन सा कोजेस आएगा, पोस्ट रेनल कोजेस, देखना फ्रेंड्स कौन सा कोजेस आएगा, थर्ड नंबर का है पोस्ट रेनल कोजेस, कौन सा आएगा, पोस्ट रेनल कोजेस, ओके, थर्ड नंबर की कोजेस है, मैंने कोजेस की कैटेगरी इसको कितने टाइप से बांटी है, 3 टाइप से डिवाइड किया था, और पोस्ट रेनल कोजेस है, पोस्ट रेनल कोजेस के अंदर देखना फ्रेंड्स पोस्ट रेनल कोजेस कौन कौन सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है पोस्ट रेनल कोजेस कौन कौन सा आएगा, और पोस्ट रेनल कोजेस के अंदर जो भी है अपने पास में पोस्ट रेनल कोजेस है, जैसे ब्लैडर के अंदर क्या आ गया, ब्लैडर नेक के अंदर क्या आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, क्या हो गया, ब्लैडर नेक के अंदर क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, पोस्ट रेनल कोजेस आ गया, पोस्ट रेनल कोजेस के अंदर देखना फ्रेंड्स, और पोस्ट रेनल कोजेस के अंदर ही फ्रेंड्स बात करेंगे कि ब्लैडर नेक के अंदर क्या आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, देखना ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर है, और ब्लैडर के नेक पे क्या आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एक्यूट रेनल फेलियर हो सकता है, ठीक है, कौन सा हो गया, ब्लैडर के अंदर नेक है, नेक के अंदर उसमें क्या आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ चुका है, या ब्लैडर कार्सिनोमा, क्या होगा, ब्लैडर के अंदर क्या हो गया, कैंसर हो चुका है, ब्लैडर कार्सिनोमा, ठीक है, कौन सा कोजेस हो गया, ब्लैडर कार्सिनोमा एंड कार्सिनोमा हो गया, या पोस्ट रेनल इन्फेक्शन, क्या होगा, पोस्ट रेनल इन्फेक्शन, कंप्लीट पोस्ट रेनल इन्फेक्शन एंड स्टोन, जैसे क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरोलिथियसिस हो गया, और यूरोलिथियसिस होगा तो क्या होगी, किडनी डैमेज होगी। मतलब फ्रेंड्स मैंने बताया आपको कि जो कोजेस है, मैंने डेफिनेशन बताया, इंट्रोडक्शन बताया, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर मैंने बताया, प्री रेनल कोजेस के अंदर हाइपोवोलेमिया ड्यू टू द डिहाइड्रेशन, हिमोरेज, डिक्रीज्ड आउटपुट की वजह से होगा, हाइपोवोलेमिया, कार्डियोजेनिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्शन, प्री रेनल इन्फेक्शन एंड थ्रोम्बोसिस एंड
थ्रोम्बोसिस होगा, कहाँ होगा, रीनल आर्टरी में होगा। इंट्रारीनल कोजेस के अंदर फ्रेंड्स मैंने बताया कि इंट्रारीनल कोजेस जो पेरेन्काइमा लेयर है, जैसे कि ट्यूबुलर है, जैसे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स है, प्रोक्सिमल है, और अपने पास में कलेक्टिंग डक्ट है, उसके अंदर क्या होगा, नेक्रोसिस होगा, उसकी वजह से भी क्या होगा, रीनल फेलियर होगा, रीनल इस्केमिया होगा, इंट्रारीनल इन्फेक्शन होगा, और ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, किसमें आएगा ऑब्स्ट्रक्शन, इंट्रारीनल वेन के अंदर, इंट्रारीनल वेन है उसके अंदर जो इंट्रारीनल पार्ट है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से भी क्या होगी, किडनी फेल होगी, एक्यूट रीनल फेलियर होगा, एनी ट्रॉमा एंड एनी किडनी डिजीज होगी उसके अंदर भी क्या होगा, किडनी फेल होगी, और पोस्ट रीनल कोजेस के अंदर आएगा। पोस्ट रीनल कोजेस के अंदर फ्रेंड्स जो पोस्ट रीनल बाद में, मतलब इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि ब्लेडर जो यूरिनरी ब्लेडर है, ब्लेडर के नेक के अंदर क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है या यूरोलिथेसिस हो चुका है, जैसे कि यूरिनरी ब्लेडर के अंदर क्या हो गया, स्टोन फॉर्मेशन हो चुका है, और या पोस्ट रीनल कोजेस हो चुका है। पोस्ट रीनल कोजेस भी क्या करेगा, किडनी को फेल करेगा, मतलब एक्यूट रीनल फेलियर क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, और एक क्या आएगा, पोस्ट रीनल इन्फेक्शन होगा, उसकी वजह से भी क्या होगी, किडनी डैमेज होगी। ये फ्रेंड्स पार्ट फर्स्ट था, पार्ट फर्स्ट के अंदर डेफिनेशन पढ़ाया, इंट्रोडक्शन बताया, और इसकी कौन से बताया, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की मैंने तीन फेजेस बताई है आपको, प्री रीनल, इंट्रा रीनल और पोस्ट रीनल, और इसके पार्ट सेकंड के अंदर पढ़ेंगे अपन साइनम सिम्पटम, इसके कौन कौन से साइनम सिम्पटम्स होते हैं, स्टेज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर की स्टेज क्या क्या होगी, और इसके साइनम सिम्पटम्स है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या क्या होंगे, और ठीक है, ओके ओके फ्रेंड्स।